दोस्तों अभी कार्डानो का जो अडा है कॉइन, उसकी प्राइस में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है बुलिश ट्रेंड, उस हिसाब से इसमें आज 20% का पंप देखने को मिला है। बहुत दिनों बाद इसमें इतना पंप देखने को मिला है। ये इसकी प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट इंजन कॉइन के बराबर लगभग चल रही थी, बात करें तो 120 INR चल रही थी, 115 INR, और अगर USDT में बात करें तो $1.76 हो गई है। अभी इसकी प्राइस 1.79 तक पहुंच गई थी। प्राइस में लगातार मूवमेंट दिख रहा है, लेकिन पहले जो मूवमेंट था वो बहुत ही डेली जो कैंडल बन रही थी वो बहुत छोटी कैंडल बन रही थी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं बन रही थी। मूवमेंट तो हो रहा था, पॉजिटिव मूवमेंट था, लेकिन 2%, 3%, 2%, 1%, 2% इस टाइप का मूवमेंट हो रहा था। मतलब जो बुलिश ट्रेंड था उसको फॉलो नहीं कर पा रहा था। लेकिन कल और आज दो दिन से बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कल की जो क्लोजिंग हुई है, जो सुबह हुई है डेली क्लोजिंग, वो बहुत अच्छी हुई है। इसमें इसकी जो प्राइस है ऑलमोस्ट 1.45 से इसकी क्लोजिंग जो हुई थी 1.67 पर हुई थी। ऑलमोस्ट अगर बात करें तो यहीं पर 10-12% का पंप इस कैंडल में दिखा, उसके बाद वापस मूवमेंट जो है वो बुलिश ट्रेंड में। और अडा को तो हम इथेरियम क्लियर मान ही रहे हैं, इथेरियम क्लियर कहा जाता है इसको, तो अच्छा मूवमेंट है इसकी प्राइस में। यहाँ से प्राइस ने मूवमेंट लिया था, $1 ऑलमोस्ट पहुँच गई थी इसकी प्राइस, मतलब 80 के समथिंग पहुंच गई थी, 80-82 INR, और अब इसकी प्राइस जो 132 के समथिंग चल रही, ऑलमोस्ट 50 INR अप हो गई है। यानी कि अगर कहें तो इसकी जो प्राइस है ऑलमोस्ट 60-70% वहां से अप हुई है। अब आपकी बाइंग यहां पर हो सकती है 1.38 पर हो सकती है, बाइंग यहां पर हो सकती है 1.29 पर हो सकती है, यानी कि 100 पर हो सकती है। अच्छी खासी बाइंग आपकी 95-100 पे होगी, मतलब एक परफेक्ट जो एंट्री है वो 95-100 पे अगर होगी आपकी तो बहुत ही परफेक्ट एंट्री है आपकी, और वहाँ से जो है आपको ऑलमोस्ट 30-35% का प्रॉफिट हो रहा है। उसको लॉन्ग टाइम के लिए आप आराम से होल्ड कर सकते हैं, इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आप लॉन्ग टाइम के लिए। इसमें जो है एकदम फॉल नहीं आता है, हमें एकदम फॉल देखने को नहीं मिलता है कि अचानक से अभी 20% था 132 पर चल रहा था अचानक से 100 पे आ गए, नहीं इस टाइप का नहीं होगा। 132 पे करेक्शन देखने को मिलेगा, 125 तक आएगा, आपको लगता है 125 से नीचे जा रहा आपका प्रॉफिट 25% से कम हो रहा है, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 28 पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपको लग रहा है यहाँ पर आपको चीज़ों जो है वो आप देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको लग रहा है। वैसे इसका 2.47 ऑल टाइम हाई है, यानी ऑलमोस्ट 220 तक है इसका ऑल टाइम हाई, 220 नहीं है, 220 से कम थोड़ा, 200 है ना इसका ऑल टाइम हाई, तो ऑल टाइम हाई तक ऑलमोस्ट ये उसी रेंज में पहुंच रहा है, मतलब आपका मुश्किल से 60-70 रुपये कम है, तो वहाँ प्राइस पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये जो ट्रेंड है अभी इथेरियम को 46,000 पर बार बार रिजेक्शन मिल रहा था, अभी उसने 46,000 का जो रिजेक्शन है वो क्रॉस किया है, और अगर आज की जो क्लोजिंग है 46,000 से ऊपर होती है तो फिर हम बिटकॉइन को इस वीकली जो वीकली क्लोजिंग होगी आज वेडनेसडे है तो हम उसको 50,000 तक देख सकते हैं। वहीं कार्डानो का जो अडा है इसको भी हम ऑलमोस्ट $2 तक देख सकते हैं वीकली क्लोजिंग तक, अगर करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा करेक्शन तो देखने को मिलेगा, प्राइस वापस यहां पर 160 तक वापस हमें देखने को मिलेगी, और उसके बाद फिर प्राइस में वापस बाउंस बैक आके 140 INR, 145 INR, यानी $2 तक हमें वीकली क्लोजिंग तक देखने को मिलेगा। वीकली क्लोजिंग में इस बार हमें करेक्शन देखने, या तो वीकली क्लोजिंग से पहले यहाँ पर फ्राइडे को हमें $2 को देखना देख सकते हैं। अभी 20% आप है, 10% और अप हो जाएगा तो आप इसको 145 पर देख लेंगे, हो गया भैया $2, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, 10-12% अगर कल 24 आवर में पंप हो गया तो पहुँच जाएगी वहाँ, और कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलमोस्ट जो डेली जो मार्केट है वो 10-12% डेली बढ़ रहा है, तो इस टाइप की चीज़ें हो रही है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, 1% अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस टाइप के वीडियोज़ आपको मिलते रहते हैं चैनल पर। आप और भी कॉइन्स का जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो देख सकते हैं, उनका मूवमेंट आप देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। बाकी थैंक यू।